आज ग्राम चुटियों सरना आदिवासियों के द्वारा एक विशेष बैठक रखा गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि शहीद वीर बुद्धू भगत जयंती समारोह एवं शहादत दिवस पर चर्चा किया गया, जिसमें सभी समाज के लोग शहादत दिवस 13 फरवरी को अड़गोड़ा चौक में मनाया जाएगा और जयंती समारोह वीर बुद्धू भगत के जन्म स्थल सिलगाई में मनाया जाएगा। जैसे ये लोग सिलगाई में मनाने का प्रयास कर रहा है और यहाँ का परंपरा रहा भी नहीं है यहाँ, और शहादत दिवस इसको मनाना है तो जैसे अड़गोड़ा में हम लोग मनाते हैं तो वहाँ जा कर मनाएं। टीको में हजार शहीद हो गए थे, वहाँ जा कर मना सकते हैं, उसका मनाने में कहीं आपत्ति नहीं है। लेकिन चूंकि पहले से यहाँ परंपरा बन चुका है, उसका जयंती स्थल है, सिलगा जन्म स्थल है, तो उसका जयंती समारोह मनाते हैं। लेकिन समाज को ये लोग मतलब एक तरह से दिग्भ्रमित करके फिर ये लोग बरगलाने का प्रयास कर रहा है, ऐसा नहीं होने देंगे। लोग शहादत दिवस मनाए कहीं मना सकते हैं, आपका लापुंग में मना सकते हैं, बड़ो मनस में मना सकते हैं, या झारखंड में कहीं मना सकते हैं, आपका ये सरसा देवगाम है वहाँ मनाइए, बड़ा सी स्टैचू लगा दी, कोई हम लोग का पति नहीं है। लेकिन चूंकि एक शुरू से मनते आया है और इस तरह से एक समाज में एकदम विघ्न हमेशा प्रयास कर रहे हैं, पूरा समाज एक तरह से पूरा लाइनअप हो गया है, विकास का धारा एकदम बहने का प्रयास हो रहा है, जी आपका जबरदस्ती समाज के दो टुकड़े तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। इसका हम लोग सख्त विरोध करते हैं, पूरा समाज विरोध करता है। अब मनाइए कहीं, इसे कोई आपत्ति है नहीं, जयंती स्थल है सिलगाई में और जयंती ही हम मनाएगा, शहादत अब कहीं मनाएगा कोई हमको आपत्ति नहीं है। प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि 13 फरवरी को रोके, अन्यथा जबरदस्त होने का संभावना है, पूरा समाज एक तरह से गोलबंद हो चुका है और दोनों साइड टकराव होने का संभावना है, खूनी संघर्ष की भी संभावना है। इसलिए प्रशासन को सचेत करना चाहते हैं, इस टाइप का मतलब हल्का में ना ले, हल्का में ना ले, समाज को एक तरह से दिग्भ्रमित करके मतलब प्रशासन धोखा दिया है, हमेशा धोखा किया है समाज का, समाज को एक तरह से दिग्भ्रमित कर दिया है, और प्रशासन को हमेशा प्रयास हम लोग दिल जीतने का प्रयास किया है लेकिन नहीं सका, हमेशा ये लोग धोखा दिया है, और हम लोग उसमें भी सोचे कि प्रशासन को सहयोग किया है लेकिन अभी तक किया नहीं है, और इस तरह से लोग मनोबल बढ़ते गया और ये लोग इस तरह खुरापाती किया और तांडव मचाने का प्रयास किया, ऐसा नहीं होने जाएगा। इसलिए प्रशासन के बड़ा आग्रह है कि वो सचेत हो जाए, अन्यथा कुछ भी होने के यहाँ संभावना है। परिचय, शिवपूजन भगत, वंशज, स्मारक समिति के संरक्षक। हम लोग आज चुटियो मैदान में शहीद वीर बुद्धू बाबा का जयंती समारोह का विषय में हम लोग बैठे हैं, और हम लोग शहीद वीर बुद्धू भगत का शहादत दिवस मनाने के लिए अड़गोड़ा चौक में मनाने का निर्णय लिए हैं। और हम लोग तीसरी बात, जो हमारे क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय बन रहा है, वो हमारा समाज के आदमी उसको तोड़ करके कहीं अन्य जगह कराने का कोशिश कर रहा है, उसे हम लोग समाज के लोग एकजुट हो करके, समाज के लोग हम लोग को भड़का दिया था, हम उस स्कूल के विषय में नहीं जान पाए थे, इसीलिए हम लोग स्कूल को विरोध कर रहे थे। अब हम लोग स्कूल को सिलागाय में ही बनाने का प्रण ले रहे हैं और स्कूल सिलागाय में ही बनेगा। हम लोग सारे प्रखंड के लोग आदिवासी को एक कर रहे हैं, क्योंकि ये स्कूल आदिवासी हित के लिए है और आदिवासी के बच्चे ही पढ़ेंगे, इसीलिए हम इस स्कूल को किसी भी कीमत से अन्य जगह नहीं बनाने का प्रण लेते हैं। जब भी बनेगा तो सिलागाय टोंगरी में ही बनेगा, क्योंकि ये हम बहुत मुश्किल से ये स्कूल को प्राप्त किए हैं, जो स्कूल केंद्र सरकार दिया है मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। परिचय, मेरा सुनील उराव हुआ, आदिवासी सरना समाज के समाज सेवी और मुखिया प्रतिनिधि करते हैं रघुनाथपुर पंचायत चान्हो से। बैठक हुआ आज ग्राम चुटियों में, चुटियों मैदान में जो बैठक हुई, इसमें वही एकलव्य स्कूल को लेके बैठक हुआ था, और जो अन्य पार्टी के जो लोग हैं वो जो कि यहाँ जयंती दिवस यहाँ 17 फरवरी पहले से मनाते आए हैं, और यहाँ अब शहादत दिवस मनाने की जो एक गुट प्लानिंग बनाया है गुट, उसको रोकने के लिए हम लोग यहाँ बैठक बैठे, क्योंकि जो कि शहादत दिवस हम लोग यहाँ मनाते आए हैं और यहाँ
जो शहादत दिवस अड़गोड़ा में मनाते हैं, और जो कि यहाँ वो अगला गुट पार्टी यहाँ बना के जो कि यहाँ मनाने का जो प्लानिंग बना रहे, इससे हमारे जो आदिवासी समाज है वो एक लड़वाने का, एक आपस में टकराव कराने का जो मानसा जो बनाए हुए हैं, ऐसा हम लोग हरकिस नहीं होने देंगे। ऐसा सोच के हम लोग इस चुटियों गांव में हम लोग बैठक बैठे, और अन्य बहुत जगह ऐसा हम लोग का बैठक हुई है, और ऐसा नेता को जो भी होगा इसको हम लोग हरकिस बर्दाश्त नहीं करेंगे। परिचय? हाँ, मेरा नीलेश उराव है, ग्राम चुटियो और नरकुपी थाना के रहने वाले हैं और मुटको पंचायत के हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।